अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। नया दिन, नया सूरज, नई अपॉर्चुनिटीज़। स्पेन की बालकनी में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। सो गाइस, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो यहाँ की बालकनी है ना, बस मैं लिटरली ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। एक तो इतना सुकून है इन बालकनीज में, गाने लगा के आप बैठे रहो, आराम से कुछ ना भी करो, बुक पढ़ते रहो। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई डिस्कवर्ड इन बार्सिलोना, बालकनीज। सो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि स्कूल के बच गए हैं चार, और यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर कैथेड्रल है, जो बार्सिलोना का सबसे बड़ा कैथेड्रल है। और मेरा प्लान आज ये है कि मैं उस कैथेड्रल जाऊँगी और ख़ुद भी देखूँगी फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड एक ब्लॉग भी बनाऊँगी। तो मैं हूँ बिल्कुल तैयार, फ्रेश एंड फ्रेश, एंड अब मैं निकलूँगी कैथेड्रल की तरफ, और उसके बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ कि क्या सीन है कैथेड्रल का, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। सो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स गो।
सो गाइस, ये है कैथेड्रल द बार्सिलोना। मैं जहाँ अभी अंदर थी और मैंने पूरा कैप्चर किया। मैं पर्सनली बड़ा डिसअपॉइंट हुई हूँ, जो कि मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी बार बोला है, क्योंकि सीरियसली इमोशनल डैमेज हुआ है मेरा। मैं लिटरली सोच रही थी कि बहुत फैसिनेटेड होगा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी खास नहीं है। बट शायद इसकी ब्यूटी यही है कि ये कभी चेंज नहीं हुआ। इसको 13th century से ऐसे ही रखा गया है और इसलिए ये कभी चेंज नहीं हुआ। वेल, अब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं तो 10 मिनट में टूर करके ख़त्म हो गई, मतलब फिनिश हो गई, और अब मैं सिटी की तरफ जा रही हूँ नेल्स डन करने, मसाज के लिए। और उसके बाद मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा बीच साइड डिस्कवर करना चाहती हूँ, थोड़ा मी टाइम रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा लास्ट डे ऑफिकेशन है। अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई इस पूरे ब्लॉग में, क्योंकि जब आप कैथेड्रल में होते हो तो आप जाहिर सी बातें खामोशी इख्तियार करते हो, इबादत की जगह है। लेकिन बहुत मतलब खुश भी हूँ समहाउ, क्योंकि मैं इस जगह को विज़िट कर सकी, मैंने अपनी एक मेमोरी बनाई है, ख़ासतौर पर ये ब्लॉग भी बनाया है। तो अगर आपको ये ब्लॉग फिर भी पसंद आया हो जब, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करें, मुझे बताएं आपकी क्या थिंकिंग है इस कैथेड्रल के बारे में, बार्सिलोना के बारे में। और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग पे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।